सीकर में दातारामगढ़ इलाके के बनाथला गांव में एक घर के पास से गुजर रही 11,000 केवी का तार टूटने के चलते दो मवेशी मर गए और एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के मुताबिक शोजी राम ढाका के खेत में बने मकान में महिला भैंस का दूध निकाल रही थी और यहां ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार अचानक से टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिसे दो मवेशी मौके पर ही मर गए और दूध निकाल रही महिला भी झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और यहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने निगम के प्रति अपना आक्रोश जताया। पांच बजे बिजली की पेश आई तो हाई टेंशन का लाइन का तार टूट गया और वो दो भैंसों के ऊपर गिरा, दोनों भैंस खत्म हो गई और एक महिला जो दूध निकाल रही थी वो घायल हो गई, उसको खतरे आवास हॉस्पिटल में लाया गया और इलाज। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।